आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ईयर 2022-23 रेगुलर बैच क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग्स ऑन ए हाईवे आर चेक्ड फॉर स्पीड बाय पुलिस। फॉलोइंग इज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर और उसका रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फाइंड द मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो डाटा दिया हुआ है उसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। पहले लिखेंगे ये हो जाएगा एक्स, देन उसका रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एफ। नेक्स्ट ये कंटिन्यूस सीरीज में है इसलिए हम लोग मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एफ इंटू मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। द नेक्स्ट हम लोग डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज स्मॉल एक्स, दैट मीन्स मिड वैल्यू माइनस एक्स बार। उसके बाद ये एक्स का स्क्वायर, देन आफ्टर एफ इंटू एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे डाटा लिख लेंगे, दैट इज 45 to 49, नेक्स्ट है 50 to 54, देन 55 to 59, देन 60 to 64, देन 65 to 69, देन नेक्स्ट इज 70 to 74, लास्ट वन है 75 to 79। यहाँ पे उसका रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 10, 40, 150, 175, 75, 15, लास्ट है 10। देन हम लोग उसका मिड वैल्यू निकाल लेंगे, 45 + 49 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 47। सिमिलरली नेक्स्ट है 52, नेक्स्ट है 57, 60 + 64 दैट इज 57। नेक्स्ट है 57, तो नेक्स्ट वन इज 67, तो नेक्स्ट वन इज 57, अगेन नेक्स्ट वन इज 77। उसके बाद हम लोग उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज 10 इंटू दिस वन 470, नेक्स्ट इज 2080, नेक्स्ट वन इज 8550, दैट इज 9975, तो नेक्स्ट वन इज 5025, नेक्स्ट वन इज 1125, लास्ट वन इज 770। उसके बाद हमको m इंटू सॉरी m माइनस एक्स बार है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार पहले कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ f इंटू m डिवाइड बाय n। इसका सम हो गया दैट इज सम ऑफ एफ एम इक्वल्स टू दैट इज 27,995, और यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और एन इक्वल्स टू दैट इज 475। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 27,995 डिवाइड बाय 475 दैट इक्वल्स टू योर 58.93 और अप्रोक्सली हम लोग कैलकुलेट करते हैं 59। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया एक्स बार का वैल्यू, एम का वैल्यू 47 माइनस 59 दैट इक्वल्स टू माइनस 12। सिमिलरली 52 माइनस 59 दैट इज माइनस 7। सिमिलरली दिस इज माइनस 2 माइनस 2, 67 माइनस 15 8, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया 18। उसका स्क्वायर अगर निकालेंगे ये हो जाएगा 144, दिस इज 49, दिस इज 4, 64 अगेन 4, दिस वन इज 324, देन एफ इंटू दिस वन, ये हो जाए एफ इंटू दिस वन दैट इज
1140, 10 into 114, सॉरी 144, देन 40 इंटू दिस मच, सो ये हो जाएगा 1960, नेक्स्ट वन इज 600, नेक्स्ट वन इज 700, नेक्स्ट वन इज 4800, नेक्स्ट वन इज 60, नेक्स्ट वन इज 3240. So if you goes for the summation of f x square, it is 12,800. उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर रूट. सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज 12,800 डिवाइड बाय 475 स्क्वायर रूट. सो इसको अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 26.94 और दैट इक्वल्स टू 5.19. ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर. देन हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे. सो वेरिएंस इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं वेरिएंस वी इक्वल्स टू योर सिग्मा स्क्वायर. सो सिग्मा स्क्वायर इज 5.19 का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 26.94. ये हो गया वेरिएंस का आंसर. उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस. सो कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस इज सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार इनटू 100 दैट इक्वल्स टू 5.19. मीन का वैल्यू है 59 इनटू 100 दैट इक्वल्स टू 8.8. ये हो गया आंसर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स. Thank you.